ये मेरा वो पुराना टैंक जो कैलकटा जाने से पहले इसको मैं देख के आया था फिश शॉप में, मैं इसको संभाल के रखना। तो ये मेरी सारी फिशेस तो वापस आ गई है, लेकिन मॉली वगैरह तो वो कह रहे हैं कि रही नहीं है। अब बात तो माननी पड़ेगी जो बोल रहे हैं वो। कह रहे हैं कि मॉली थी जो एक ही सिंगल पीस ये बची हुई है, तो बाकी सारे तो वो कह रहे डेथ हो गई। बाकी मेरे को नहीं लगता कि होगा कुछ टेम्परेचर का उन्होंने गड़बड़ किया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और उन्होंने तो पहले कहा था हम फिश रख लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतने दिन होल्ड नहीं रख सकते, 20-25 दिन इतना कुछ। तो मैंने एक नया एक्वेरियम मैंने परचेज किया था, तो वो है ये देखिए। तो ये परचेज किया था, इसमें ये सारी फिशेस थी। तो गोल्ड पीस तो मैं जब आया तब ये लेके आया, तो मैंने इसने मैं गोल्ड पीस अब मैं रख के देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि अब मैं इसको क्या संभाल पाता हूँ या नहीं पाता हूँ। तो देखते हैं अब कितने दिन ये टिकते हैं, इसके अपडेट आते रहेंगे अब। तो ये नया एक्वेरियम है, तो ब्लैक मोर है इसमें और एक हल्की सी जो ये कलर मेरे को काफ़ी पसंद है, ये जो हल्का सा डार्कनेस वाला होता है ना, ये काफ़ी अच्छा है ये। और बाकी सारे ये रेड कैप हैं, तो ये वो वैसी वाली तो रेड कैप नहीं है जिसमें वो जेली आती है, बाकी फिर भी ये अच्छी है दिखने में, मुझे काफ़ी पसंद है। ये अलग कलर था इसमें, रेड कैप के साथ ही थी लेकिन ये उस टाइप में, मतलब कलर इसका थोड़ा अलग था। यही है नया टैंक, इसमें फिल्टर लगा हुआ है 100 वॉट का, और इसमें मैंने वो सोबो वाला वो फिल्टर लगाया, टॉप फिल्टर जो ये रहा, ये देखिए देखिए ये टॉप फिल्टर लगा हुआ है। तो सॉरी, वो कोई बंदा आ गया था, गाड़ी का भी मांग रहा था। तो ये टॉप फिल्टर मैंने लगा रखा है, इसमें ऐसा कोई फिल्ट्रेशन अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया है, बस वो रूई लगा रखी है मैंने। ये थोड़ा दिखा देता हूँ आपको इस टाइप की, और ऊपर स्पंज रखा है मैंने, और लाइट मैंने वो पुरानी वाली यूज़ की है, इसमें वायर बांध के मैंने अब इसको यहाँ पे हैंग किया है। इसको थोड़ा रखना दिक्कत है, थोड़ा सेट करके इसको अभी सेट कर देता हूँ, बाद में वीडियो बनाने के बाद ये रखूँगा। तो इसको लाए हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं, अभी मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं कोशिश करूँगा इसमें फिल्ट्रेशन कैसे काम करता है। नीचे थोड़ी बहुत इधर गंदगी रह रही है, इसको मेरे को सेट करना पड़ेगा कि इसका नोज़ल के हिसाब से सेट करें। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, देखते हैं इसका अपडेट कैसे रहता है, ये फीस कैसे ग्रो करती है, ये लाइफ सर्कल कैसा रहता है इनका, मैं सब कुछ शेयर करता रहूँगा आपसे। तो देखिए 1 से 2 टैंक हुए हैं, अभी स्पेस कम है, थोड़ा स्पेस बढ़ा रहे हैं, ज़रूर उसके बाद फिर अदर्स फिश भी लाऊंगा। तो कोई सजेशन हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपको भी पता है ये हॉबी ज़्यादा लोग तो करते नहीं है, बस जिसको रियल दिल से पसंद है वही करता है। तो ज़्यादा फीस मैंने नहीं रखी, 7 फीस है मेरे पास टैंक की, ये 2.5 फीट का है लगभग। देखता हूँ इसमें मतलब किस हिसाब से रहते हैं, अगर लगे कि नहीं इसमें भी इनको दिक्कत हो रही है तो मैं टैंक ज़रूर बढ़ाऊँगा। बाकी आप सपोर्ट कीजिए, आप लाइक कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।